हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा ट्वेंटी फोर स्कूल सो बच्चों चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर हमने चार सब टॉपिक्स पढ़े थे फर्स्ट था डू प्लांट्स ब्रीथ एंड ग्लाइकोलिस सेकंड फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन थर्ड द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एंड द दम्थेबोलिक पाथवे एंड द लास्ट वन वॉज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो हमने इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी करे सारे सब टॉपिक्स भी अच्छे से करे तो आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं इसके एनसीआरटी क्वेश्चन तो एनसीआरटी क्वेश्चन किस लिए जरूरी होते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए जरूरी होते हैं पर आजकल के ये ओमिक्रॉन वाली सिचुएशन को देख के लगता तो नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर इतना आएगा बट हम लोग तो अपनी साइड से दोनों ही तरीके से तैयारी करवाएंगे कि एम सी क्यूज भी आए और अगर सब्जेक्टिव आए तो उसमें भी कोई दिक्कत ना आए तो स्टार्ट करते हैं अपने एनसीआर टी क्वेश्चन के साथ सो द फर्स्ट दर्स्ट एनसीआर क्या है कि बिटवीन रेस्पिरेशन एंड एंड साइकिल और थर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन तो एक एक करके हम इन तीनों के बीच का डिफरेंसिस देखेंगे सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन और कंबर्शन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन सबको पता है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस और ये बेसिक प्रोसेस क्या करता है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो क्या करता है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और उससे क्या है एनर्जी रिलीज करता है है ना तो रेस्पिरेशन क्या हुआ हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज अ स्लो प्रोसेस इट इज स्लो प्रोसेस पर उधर दूसरी तरफ अगर हम कम्बर्सन देखें कम्बर्शन इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस कम्बर्शन बेसिकली जिसको हम जलाना बोलते हैं वो हमारा क्या होता है कम्बर्शन होता है है ना तो रेस्पिरेशन हमारा स्लो प्रोसेस है और कम्बर्शन हमारा फास्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है अब वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो नेचुरली सी बात है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ही होता होगा तो इट टेक्स प्लेस एट दी बॉडी टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस यही होता है ना तो इस बॉडी टेम्परेचर पे हमारा जो है रेस्पिरेशन हो जाता है पर कंबर्शन को जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इट रिक्वायर्स अ हाई इग्निशन टेम्परेचर उसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है देन रेस्पिरेशन इट इज द फ्यूल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है ना हमारी रेस्पिरेशन तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स इट रिलीजेज एनर्जी तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे कहाँ से आते हैं हमारे फूड से हम लोग लेते हैं तो इसका फ्यूल क्या होगा हमारा फूड इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें फूड चाहिए क्योंकि वो खाने को ही तो जो है तोड़ते हैं छोटे छोटे में है ना खाने में क्या क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स और उसको वो तोड़ देते हैं इनटू तो छोटे मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स के अंदर हो गया हमारा ग्लूकोज के अंदर हो गया वो सारा हमारा फूड से ही आता है द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑलवेज कंप्लीट एंड द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रेस्पिरेशन का क्या होता है बेसिक तो ये हमारी जो है ओवरऑल इक्वेशन रहती है रेस्पिरेशन की ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन रहती है रेस्पिरेशन की तो हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी तो ये जो है हमारा उक, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है क्यों क्योंकि ऑक्सीजन इज यूज ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन दी लार्ज माइक्रो मोलिक्यूल्स इन द स्मॉलर वंस इसलिए द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इट इज ऑलवेज कंप्लीट और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी दूसरी तरफ अगर हम कंबेशन पे आते हैं वो रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस होता है पर उसको हाई इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इट इज मेनली हाइड्रोकार्बन इसका फ्यूल क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है द ऑक्सीडेशन रिएक्शन मे नॉट बी कम्प्लीट वो इनकम्प्लीट भी रह सकता है और जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स है वो पॉल्यूशन करते हैं बिकॉज ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और वो क्या रिलीज करते हैं हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं क्या रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सो ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड कंबर्शन तो अगला अगर हम नेक्स्ट पे चले नेक्स्ट था हमारा ग्लाइकोलासेस एंड टीसीए साइकिल ग्लाइकोलासेस क्या है ग्लाइकोलासेस हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलासेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही तो है जो ऑक्सीडाइज uh, होता है है ना एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज होता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुएट यही बनता है ना हमारा ग्लाइकोलिस में पायरुएट सो so, ग्लाइकोलिस क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है इन टू पायरोविक एसिड ए भी बनता है इसके अंदर एनएडीएच भी बनता है और वाटर भी बनता है क्या क्या इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड ए कितने नेट गेन था ए का एट ए का नेट गेन था एन एंड वाटर सो इट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन ये जो है ये कॉमन पाथवे होता है पायरुवेट तो बनता है फिर पायरुवेट की हमने तीन फेट देखी थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये जो है ये दोनों हमारे फर्मेंटेशन तो क्या हो गया एनारोबिक हो गया तो ये कॉमन पाथवे हुआ ना हमारा एरोबिक और एनरोबिक के लिए जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद में उसकी फेट डिसाइड होती है कि क्या वो एनोरॉबिक में जाएगा या फिर वो

माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल लास्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इट इज इंक्लूडेड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर फर्मेंटेशन जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इंक्लूड नहीं होता है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है और फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन शुड बी एब्सेंट ऑक्सीजन शुड बी एब्सेंट तभी ये क्या होता है एक एक तरीके का हमारा ही हो गया, एक तरीके का का हमारा हमारा एनारोबिक एनारोबिक ही ही हो हो गया गया ये ठीक है देन एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी मटीरियल इट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज जो हमारा रेस्पिरेटरी मटीरियल है वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है पर फर्मेंटेशन के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है सो so, द एंड प्रोडक्ट्स आर इन ऑर्गेनिक इन एरोबिक और फर्मेंटेशन के अंदर वन प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द फर्मेंटेशन सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या क्या होते हैं जब हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स की बात करें तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उनको हम लोग क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं सो द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो क्या करते हैं बेसिकली एनर्जी लिबरेट करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं ठीक है सो द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड सबसे कॉमन हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज है ना क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी हमारा क्या होता है ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है तो मोस्ट कॉमनली यूज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसे क्या होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि रेस्पिरेशन के दौरान कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है तो और रेस्पिरेटरी सब्सिटेट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं प्रोटीन्स भी हो सकते हैं फैट्स भी हो सकते हैं इन सब का हमने जो है कॉमन फेट देखी थी कि कहाँ से टी और ग्लाइकोलिस में एंटर करते हैं तो ग्लूकोज क्या है हमारा एक मोनोसेकर मतलब कार्बन कार्बन होता है है ना गिव द स्कीमेटिक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ का देना मैंने हाफ इधर लगाया और हाफ नेक्स्ट स्लाइड पे लगाया क्योंकि अगर इकट्ठे लगाती ना तो वो नजर भी ना आता तो इसलिए सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज एंजाइम आता है हमारा फर्स्ट स्टेप में

चेंज होता है फॉस्फोराइलेट होता है इनटू फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉसफेट और इसमें भी हमारा माइनस वन ए एक ए यूज हो जाता है तो वन फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट हमारा सिक्स कार्बन होता है तो ये फिर टूट जाता है इनटू टू दो के अंदर टूट जाता है फर्स्ट है हमारा डाई हाइड्रॉक्सी एसिडोन फॉसफेट जो कि हमारा थ्री कार्बन है और ग्लिसराल डिहाइड थ्री फॉसफेट वो भी हमारा थ्री कार्बन है

क्योंकि हमारा एक एन कितना देता है वन थ्री ए तो अगर दो एन बन रहे हैं तो सिक्स ए और दो हमारे यूज हो गए तो अभी तक हमारे कितने ए आए फोर ए आए फिर जो हमारा थ्री uh, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है सॉरी uh, थ्री थ्री

यूज वाले ए टी को काट के हमारे फोर ए बन चुके थे तो सिक्स ए अभी तक हमारे बन चुके हैं थ्री फॉसफोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होता है इनटू टू फॉसफोग्लिसरेट उसके भी दो मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनजाइम फॉसफोग्लिसरोफोग्लिसरेट फिर क्या करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच निकालता है और वो क्या बनाता है फॉसफो इनोल वो भी हमारे टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस लास्ट स्टेप होता है जब हमारे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्सफो इन कन्वर्ट होते हैं इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुएट या फिर पायरो एसिड और वो भी हमारे दो ए बनाते हैं तो टोटल हमारा नेट गेन कितना हो गया ए का एट ए वैसे तो टेन बने थे पर टू हमारे यूज अप हो जाते हैं तो इसलिए हमारे एट ए का नेट गेन आ जाता है ठीक है सो प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या है ए टी और पायरुएट दो एन ए डी एच आए दो एटीपी आए और दो पायरव दो एन मतलब सिक्स एटीपी ठीक है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो वॉट आर दी मेन स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस क्या क्या हमारे मेन स्टेप होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है इन अ स्टेप वाइज कैटाबॉलिक प्रोसेस अभी स्टेप वाइज स्टेप वाइज प्रोसेस क्यों होता है क्योंकि अगर वो एक ही एक ही स्टेप में हो जाएगा बच्चों अगर वो एक ही स्टेप के अंदर हो जाएगा तो जो हमारी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी और वो ए में कन्वर्ट नहीं होगी पर स्टेप वाइज में क्या होता है कि जो एनर्जी है हम उसे एज ए भी स्टोर करके रख सकते हैं इसलिए हम हमेशा स्टेप वाइज कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि वो हमारी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन जो होता है हमारा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसलिए वो हमारा टर्मिनल ऑक्सीडेंट है ठीक है सो द मेन स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर एस फॉलो सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है ग्लाइकोलिस जो कि कहाँ पे होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या फिर साइटोसोल जहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड के साथ साथ क्या करता है दो एटीपी प्लस दो एनएडीएच ये देता है हमारा ग्लाइकोलिस अभी हमने जब पढ़ा

फिर ऐसा टाइल को टी सी या फिर करेब साइकिल के अंदर एंटर करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है वेयर द पायरोविक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी कंटेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स इन टू इस टी के अंदर जो होता है जो भी एनर्जी बनी होती है वो सारी ए में कन्वर्ट होती है लास्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेमब्रेन और वो ए सिंथेसिस करती है

फिर एक और डी कार्बो का स्टेप होता है एक और सी टू निकलता है और सक्सेनाइल कोए बनता है जो कि फोर कार्बन होता है ठीक है फिर सक्सेनाइल कोए से कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट सक्सिनेट से फ्यूमरेट फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से देन अगेन ऑक्ो एसिडेट ये सारे के सारे फोर कार्बन होते हैं तो कैसे सिक्स फोर कार्बन से सिक्स कार्बन देन सिक्स कार्बन से अगेन फोर कार्बन ये सारा हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर होता है एक्सप्लेन ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने एक्सप्लेन करना है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन में मदद करते हैं फ्रॉम द केमिकल टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर अल्टीमेट एक्सेप्टर क्या है हमारा ऑक्सीजन तो ई टी एस हमारा क्या हुआ ETS हमारा ये क्या है इट इज़ अ सीरीज ऑफ को एनजाइम्स और साइटोक्रोम साइटोक्रोम्स और को एनजाइम्स की सीरीज है जो कि इलेक्ट्रॉन पैसेज में मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन पैसेज कहाँ से होता है फ्रॉम अ केमिकल टू इट्स लास्ट टर्मिनल एक्सेप्टर सो द रिड्यूज को एनजाइम पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रिड्यूज इन्जाइम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है क्रिस्टी ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रियल मेंबरेन होता है वहां पे होता है ई टी एस मेनली यहाँ यहाँ पे एफ नॉट होता है यहाँ पे एफ वन होता है ठीक है तो ये कहाँ होता है इट टेक्स इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑगिजोम्स एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स दे आर फाउंड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एफ नॉट जो है हमारा इनर सर्फेस पे होता है और ये एफ वन जो होता है हमारा पेरीफरल सर्फेस पे होता है यहाँ पे हमारा ई टी एस होता है सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी एच एनएडीएच कहा से इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो कि हमारे टीसीए में प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम द दीसीए वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल के टाइम पे जो है एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं किसमें और हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल होती कहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है ट्रांसफर करते हैं टू द यूबिकोनॉन विच इज लोकेटेड इन साइड द इनर मेमब्रेन ये इलेक्ट्रॉन फिर यूबिकोनॉन के अंदर ट्रांसफर होते हैं और जो कि इनर मेमब्रेन के अंदर होती है ये देखो ये हमारा इनर स्पेस है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है एन से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स वन में जाके कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं फिर यूबी के नॉन के अंदर जा रहे हैं यू के नॉन जो है एफ ए डी एच टू के भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है सो द यू बी के नॉन इट ऑल्सो रिसीव द रिड्यूसिंगस एफ ए डी एच टू रिड्यूसिंगस बास एफ ए डी एच टू से भी मिलते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टू बनाता है एफ ए डी एच टू इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनट इन दिट्रिक एसिड साइकिल सो जो एफ एडीएच टू और एनए डी एच टू हमें एन ए डी एच हमें मिल रहे हैं ना वो कहाँ से मिल रहे हैं टी सी ए साइकिल से मिल रहे हैं टी सी ए साइकिल से मिल रहे हैं पहले जो है कॉम्प्लेक्स वन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किससे एन ए डी एच से उसके बाद में वो यूबी में चले जाते हैं फिर कॉम्प्लेक्स टू के अंदर हमारे एफ टू से रिड्यूसिंग आते हैं ठीक है ये हमारे आ गए दो रिड्यूसिंग इक्वल जो रिड्यूज यूबिकोनॉन है फिर वो क्या करता है इट इज ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं टू साइटोक्रोम सी और वाया द साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स थ्री होता है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स थ्री होता है साइटोक्रोम सी में जाते हैं हमारे रिड्यूस्ड रिड्यूज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस फ्रॉम द यूबी

कॉम्प्लेक्स फोर क्या है हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स फोर का नाम क्या है हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जिसके अंदर साइटोक्रोम्स ए और ए थ्री होते हैं और अलोंग विद टू कॉपर सेंटर्स दो कॉपर सेंटर भी होता है सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स दे पास फ्रॉम वन कैरियर टू अन अदर द कॉम्प्लेक्स वन टू फोर इन द ई दे आर कपल टू ए सिंथेस जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे कॉम्प्लेक्स वन से मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वन से वो मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फोर में तो वो क्या हो रहे हैं वो एक कपल हो रहे हैं विद एटीपी सिंथेस और एटीपी सिंथेस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं दो होते हैं एफ नॉट एंड एफ वन हो रहे ठीक है ठीके? और वो क्या करता है वो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में मदद करता है एटीपी सिंथेस क्या करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में मदद करता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द मोलिक्यूल विच टू बी ऑक्सीडाइज और जो नंबर ऑफ एटीपी है वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है जैसे कि एक एफ टू हमें देता है कितने इलेक्ट्रो दो एटीपी देता है और एक एन हमें कितने ए देता है थ्री ए देता है तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है एटीपी जनरेट करता है हमारा एटीपी सिंथेस एफ नॉट जो होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है पेरीफ्री पे और उसके बाद में बाहर जो है हमारा एफ वन होता है एफ वन के ऊपर मेन ए टीपी सिंथेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फ्रेट से ए टी पी में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग फर्स्ट रेस्पिरेशन एंड एंड रेस्पिरेशन, सेकंड ग्लाइकोलिस एंड फर्मेंटेशन एंड थर्ड रेस्पिरेशन की हम जब बात करें वो क्या होता है फूड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यह हमारा क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये क्या जनरेट करता है हमारा ये हमारा ये हमारा जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी सो इट रिक्वायर्स एटमोस्फेयर ऑक्सीजन और इस रिएक्शन को हम लोग यहां पे समराइज कर सकते हैं जब हम दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है इसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन्वॉल्व तो होता है पर सबस्ट्रेट जो होता है इट इज नेवर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज सो इट अकर्स इन द यीस्ट एंड बैक्टीरिया अकर्स इन द ईस्ट एंड बैक्टीरिया और जो मसल टिश्यू है वहाँ पे होता है जब ऑक्सीजन एबसेंट होती है तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें टोटल 38 एट मिलते हैं पर एनरोबिक के अंदर हमें सिर्फ दो ए मिलते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो आप देख सकते हो कि ये जो है एनरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही कम ए जनरेट करता है पर एरोबिक रेस्परेशन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है नेक्स्ट पे आते हैं ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन तो ग्लाइकोलिसिस क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता और ये कॉमन होता है टू एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन पर फॉर्मेंटेशन क्या है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है मतलब उससे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है और उससे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोड्यूस करता है पायरोविक एसिड फर्मेंटेशन क्या करता है इथेनॉल करता है लैक्टिक एसिड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये प्रोड्यूस करता है ग्लाइकॉलिस में क्या होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं और फर्मेंटेशन के अंदर यूटिलाइजेशन होता है एनएडीएच की जो एनएडीएच हमारे ग्लाइकोलिस में बनते हैं वो फर्मेंटेशन में आके यूज अप हो जाते हैं सो so, िसिस के अंदर दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और फर्मेंटेशन के अंदर कोई एटीपी नहीं बनता है नो ए इज फॉर्म्ड अब ग्लाइकॉलिस और सिट्रिक एसिड साइकिल ग्लाइकॉलिस सबसे पहला साइट ऑफ अकरेंस क्या है ये साइटोप्लाज्म में होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है आप सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मेंशन कर सकते हो पर स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है

तो ये कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन द ग्लाइकोलिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं व्हाट आर द मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी 38 एटीपी का इसमें हमने क्या क्या अजम्पन लगाई है ये हमने पढ़ा था ना सो so, अजम्पन क्या क्या है सो so, सबसे पहली अजम्पन ये है कि हम कोई और सबस्ट्रेट यूज नहीं करते सिर्फ हमारा ग्लूकोज ही जो है एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है दूसरा ये ये है कि ऑर्डरली मैनर के अंदर होता है सीक्वेंशियल होगा हो फिर टी सी होगा फिर ई टी एस होगा है ना और एन ई डी एच विच इजरेटेड इन साइड द माइटोकॉन्ड्रेट सिंथिस थ्री ए टी पी मॉलिक्यूल सबसे पहला जो मैंने वो दो एजम्पन्स बता दिए वो तो है उसके बाद में ये अजम्पन हमने लगा रखा है ना कि एक एन डी एच हमें थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टीपी देता है तो वही एजम्पन आ गया एनई डी एच विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस एंड इज रिड्यूसिंग पावर इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया वायर अ शटल सिस्टम और कोई इंटरमीडिएट्स जो फॉर्म होते हैं नए कम्पाउंड नहीं फॉर्म करते उसमें यही है एग्जम्शन के अंदर कि जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं इन द एरो रेस्पिरेशन वो कोई और प्रोडक्ट फॉर्म करते ही नहीं है वो बस एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं

दो ATP मिलते हैं जो कि हो रहा होता है मसल्स और नर्व सेल्स में और बाकी मैंने आपको दिए थे क्या क्या होते हैं कि orderly, है, एक के एक होते हैं कोई ऑर्डर हमारा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कसरी पाथवे जब हम एम्फीबोलिक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसके अंदर एनाबोलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा है है ना एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा है मतलब ब्रेकडाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है ठीक है सो द रेस्पिरेटरी पाथवेज एन एम्फीबोलिक पाथवे क्योंकि उसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है जैसे कि मैंने आपको बताया सो इट इज कैटाबॉलिक पाथवे एज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू ऑपटेन द एनर्जी जैसे कि हमारे जो काब्स है वो ब्रेकडाउन हो रहे हैं इनटू ग्लूकोज फैट्स किसमें ब्रेकडाउन हो रहे हैं हमारे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं एसेटाइल कोवे तो ये है ना कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा ब्रेकडाउन होता है तो हमारे जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इस रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर टूट रहे हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिससे हमें एनर्जी मिल रही है

ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है जनरेशन ऑफ एटीपी तो फॉस्फोराइलेशन इट टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है बाय द एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स व्हेन द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स दे पास फ्रॉम इट ये होता है ना एटीपी सिंथेसिस का ये एफ है ये एफ है यहां से हमारे टू एच प्लस मॉलिक्यूल्स आके क्या बना देते हैं सॉरी ये हमारे बना देते हैं पी प्लस पी आई हमारा एफ वन में आके क्या बना देता है ए पी बना देता है हर टू एच प्लस टू प्रोटोन्स हमारा वन ए पी जनरेट कर देता है ठीक है है तो यही दिया हुआ है कि टेक्स प्लेस वाया आ, इन इन पे जो हमारा है वो complex जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन्स उसको पास थ्रू करते हैं और उससे क्या बनता है हमारा एटीपी बनता है ये हमारा एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर है ठीक है थीके? द एनर्जी एसेंशियल फॉर फॉस्फोराइलेशन इट इज डिराइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिनोमिना इन द रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है वहाँ से इस uh, को एनर्जी मिलती है द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो ये क्या होता है बेसिक इट इज़ द जनरेशन ऑफ ए टी पी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप रिलीज ऑफ एनर्जी रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने बताया कि स्टेप वाइज क्यों होता है क्योंकि हमें उस एनर्जी को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ए टीपी अगर वो स्टेप वाइज नहीं होगा वो सिंगल प्रोसेस होगा तो क्या होगा सारी ही सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी जो हमने नहीं करनी है सो द यूटिलिटी ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन इट इज गिवन एज फॉलो सबसे पहले द स्टेप वाइज रिलीज ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी विच इज़ वेरी ईजिल ट्रैप्ड इन द फॉर्मिंग द ए टी पी मॉलिक्यूल्स जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही है उसे हम ईजिली ए टी पी मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रैप कर सकते हैं सेकेंड सेलुलर टेम्परेचर इट इज़ नॉट अलाउड टू राइज जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता क्योंकि बहुत स्लोरी प्रोसेस हो रहा है तो बॉडी को टेम्परेचर राइज नहीं करना होता थर्ड वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होती है जो भी एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में निकल रही है वो हमारी वेस्टेज नहीं होती है देर आर सेवरल कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ बायो केमिकल्स बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं इस लो प्रोसेस के अंदर हमारे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो कि हमारे बायोकेमिकल्स को सिंथिसाइज करने में मदद करते हैं थ्रू देयर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स डिफरेंट सब्स्टांसिस कैन अंडर गो रेस्पिरेटरी कैटाबॉलिज्म इंटरमीडिएट्स की वजह से क्या होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है रेस्पिरेटरी कैटाबॉलिज्म में जा सकते हैं ईच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन एंजाइम हर स्टेप का अपना एक एंजाइम होता है और डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटी को जब हम क्लब करेंगे वो इनहिबिट या फिर एनहांस करेंगे कुछ कंपोनेंट्स को तो वो क्या करता है वो कंट्रोल करने में मदद करता है रेट ऑफ रिएक्शन और कितनी एनर्जी उससे लिबरेट हो रही है तो ये सारे के सारे जो है हमारे सिग्निफिकेंसिस हैं फॉर द स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी तो बच्चों ये थे हमारे एनसीआरटी क्वेश्चन ऑफ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाय बाय एंड टेक केयर